हेलो एवरीवन, सिलेक्ट आईएएस के करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट न्यूज़ में हाल ही की खबर है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023। सबसे पहले समझते हैं रैमन मैग्सेसे पुरस्कार चर्चा में क्यों हैं। तो हाल ही में 2023 रैमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई है। इस वर्ष यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया, जिसमें भारत के ऑन्कोलॉजिस्ट आर रवि कन्नन भी शामिल हैं। डॉक्टर कन्नन असम के सिलचर स्थित कछार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं। डॉक्टर कन्नन के अलावा अन्य विजेताओं में शामिल हैं कौरवी रक्षंद बांग्लादेश से हैं, लेमोस यूजेनियो तिमोर से हैं, कोरोनेल फेरर मरियम ये आपके फिलीपींस से हैं। चलिए बात करते हैं रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के विजेता आर रवि कन्नन के बारे में। तो आर रवि कन्नन असम में कछार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के निदेशक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आर रवि कन्नन 2023 के रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं में से एक हैं। उन्हें जन केंद्रित और गरीब समर्थक स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से असम में कैंसर उपचार में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। डॉक्टर कन्नन चेन्नई के रहने वाले हैं, जहां उन्होंने 2007 में सिलचर असोम जाने से पहले कैंसर संस्थान अड़ियार में काम किया था। 1996 में CCHRC की स्थापना स्थानीय नागरिकों के एक गैर लाभकारी समाज की पहल के रूप में की गई थी, जिसे सरकार द्वारा प्रदान की गई भूमि पर सार्वजनिक परोपकार द्वारा वित्त पोषित किया गया था। प्रशस्ति पत्र में कहा गया है कि डॉक्टर कन्नन के नेतृत्व में CCHRC एक व्यापक सुविधा केंद्र बन गई, जिसने जन केंद्रित और गरीब समर्थक स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से असम में कैंसर के इलाज में क्रांति ला दी। चलिए जानते हैं रैमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। तो दोस्तों, रैमन मैग्सेसे अवार्ड की स्थापना 1957 में फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे की याद में की गई थी, ताकि सरकार चलाने में या सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में जो भी अच्छा काम एशिया में चल रहा है उसे सम्मानित किया जा सके। इस पुरस्कार की स्थापना में फिलीपींस सरकार के साथ साथ रॉकफेलर सोसाइटी का भी योगदान है। रॉकफेलर सोसाइटी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। दोस्तों, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। 2008 तक यह पुरस्कार केवल 6 श्रेणियों में काम करने वालों को दिया जाता था। ये 6 श्रेणियां थी सरकारी सेवा, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समंज, उभरता हुआ नेतृत्व, इमर्जेंट लीडरशिप। वर्ष 2009 से द रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन ने उपयुक्त 6 श्रेणियों में पुरस्कार देने के नियम को बंद कर दिया है और अब अन्य श्रेणियों में भी यह पुरस्कार दिया जाता है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 31 अगस्त को मनीला फिलीपींस में औपचारिक समारोह में प्रदान किया जाता है, जो कि रैमन मैग्सेसे की जयंती है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।